आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक संज्ञा मीन्स नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञा क्या है? तो यहाँ उसकी डेफिनेशन से कि संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या स्वभाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होता है। अतः सभी नाम पदों को संज्ञा कहते हैं। सभी नाम पदों मीन्स के जो भी नेम है, नाम है, वो सभी को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस है। रमेश कल कलकत्ता जाएगा। वह पुस्तक पढ़ रहा है। शेर डहरता है। ईमानदारी अच्छी बात है। तो ये जो फोर सेंटेंस है, इसमें आप देख सकते हैं कि रमेश एक नाम है, कलकत्ता एक नाम है। रमेश जो है किसी व्यक्ति का नाम है, कलकत्ता जो है वो किसी शहर का नाम है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक एक वस्तु का नाम है। शेर दहाड़ता है, शेर एक जानवर का नाम है। और ईमानदारी अच्छी बात है, ईमानदारी एक भाव देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि संज्ञा मीन्स, शॉर्ट में कहिए तो, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु, किसी प्राणी या किसी भाव या स्वभाव दर्शाते हुए शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कि कोई संज्ञा प्राणीवाचक शब्द की होती है। जो प्राणीवाचक शब्द है, बच्चा, भैंस आदि जो शब्द है वो प्राणीवाचक शब्द जो है वो संज्ञा होती है। कुछ संज्ञा अप्राणीवाचक होते हैं, जैसे कि पुस्तक, मकान, जिसमें प्राण नहीं होते। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो अप्राणीवाचक शब्द होते हैं। कुछ जो संज्ञा होती है वो गणनीय है, जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कि छात्र, आदमी, कुछ भी। ऐसे जो शब्द होते हैं उसे गणनीय संज्ञा होते हैं। कुछ जो शब्द होते हैं वो अगणनीय होते हैं। अगणनीय मीन्स के दूध, हवा, पानी, ऐसे जो आदि शब्द होते हैं वो अगणनीय शब्द जो होते हैं वो भी संज्ञा ही है। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। अब इधर संज्ञा के भेद, संज्ञा के कुछ पांच भेद है। फर्स्ट जो होता है व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन, जातिवाचक, कॉमन नाउन, भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन एंड द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन। तो ये जो पांच भेद है, इस पांच भेद को हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। फर्स्ट व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। फिर से एक बार देख लीजिए कि संज्ञा जो होती है वो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या स्वभाव अथवा भाव को भाव में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे कुछ भी जो भी नाम होते हैं वो सभी को संज्ञा कहते हैं। इसी अनुरूप से हम लोग ने चार एग्जांपल देखे, उसमें ये जो नाम है वो व्यक्तिवाचक है, कलकत्ता जो है वो स्थानवाचक है, पुस्तक जो है वो वस्तुवाचक है, शेर जो है वो प्राणीवाचक है और ईमानदारी वो जो है जो वो भाववाचक होते हैं। हमने पांच संज्ञाओं के नाम देखे और उसी पांच संज्ञाओं के नाम में से पहला जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उस व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति,
वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे कई ऐसे स्थान है, नाम है या वस्तुएं हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा को निर्देश करती है। उनमें से पहला है व्यक्ति का नाम। कोई भी व्यक्ति का नाम, वो फीमेल हो या मेल हो या कोई पर, तो कोई भी व्यक्ति का नाम, श्याम, सुरेश, रवीना आदि, तो जगत में जिस व्यक्ति का नाम हो वो सभी को व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंदर कह सकते हैं। दूसरा जो है वो स्थान का नाम। जगत के किसी भी स्थान का नाम, ताजमहल हो, जयपुर हो, आकाश हो, पाताल हो, अंतरिक्ष हो, ये सभी जो नाम है वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। उसके बाद दिशाओं के नाम। चारों दिशाएं, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, ये सभी जो दिशाएं होती है उसके नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। उसके बाद देशों के नाम, भारत देश, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, जापान, सभी देशों के नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसको लिखा जाता है। राष्ट्रीय जातियों के नाम, जातियों के नाम मीन्स के भारतीय, अमेरिकी, चाइनीज, ये सभी जो जाति होती है उसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही कहा जाता है। समुद्र के नाम, हिंद महासागर, पैसिफिक महासागर, यहाँ पे कुछ नदियों के नाम में भी वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कोई भी नदी है जो होती है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आती है। पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, गिरनार, सभी पर्वतों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दिन या महीने का नाम, मई, जुलाई, सोमवार, मंगलवार, ये सभी महीने और दिन ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाती है। त्यौहार, जो भी त्यौहार ये हम लोग मनाते हैं वो सभी, होली, दिवाली, रमजान, सभी जो त्यौहार होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जरूर नहीं है कि व्यक्तिवाचक मीन्स किसी व्यक्ति का नाम है, ये सभी जो भी नाम है वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। उसके बाद पुस्तक या समाचार पत्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, धर्मयुग, गीता, बाइबल, पुराण, ये सभी जो है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और उसके बाद जो है वस्तु, कोई भी वस्तु, कार हो, पुस्तक हो, पेन हो, बोर्ड हो, ये सभी जो वस्तुएं हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो ये जो है वो संज्ञा के पांच प्रकारों में पहला प्रकार जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिस शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, ये सभी वस्तुएं या सभी स्थान या सभी व्यक्ति ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के दूसरा जो प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की जो डेफिनेशन है वो, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से एक जाति या सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का एक जाति है, लड़की एक जाति है, पशु पक्षी एक जाति है, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि, ये सभी जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। लड़का हो तो हम लोग कहते राजेश, सतीश, दिनेश, कोई भी नेम जो जो लड़के का नाम हो। अब हम लोग को सवाल ये होता है कि राजेश जो है वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक कैसे हो? तो एक सेंटेंस है, राजेश अच्छा लड़का है, तो राजेश जो है वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही रहेगा, लेकिन लड़का जो नाम आएगा वो लड़का वो एक जातिवाचक संज्ञा है। पशुओं में गाय, घोड़ा, ये सभी जाति पशु जाति की है। पक्षी, मोर, कोयल, ये सभी जो है पक्षी जातियों की है। वस्तु, कुर्सी, पुस्तक, ये सभी एक वस्तुओं की जाति का है। नदी में गंगा, यमुना, ये सभी नदी, नदी, पहाड़, ये सभी, ये शब्द इन शब्द से अलग पड़ता है, ये शब्द से अलग पड़ता है। तो ये नदी की जाति है, ये पहाड़ की जाति है, मनुष्य, तो संसार में मनुष्य की जाति, प्राणियों की जाति,
इसी प्रकार पहाड़, तो संसार के सभी पहाड़ जो नदियों से विपरीत है, नदियों से अलग है, तो ये पहाड़ की जाति। तो कहने का मतलब जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक जो संज्ञा होती है वो भावनाएं मीन्स के फीलिंग्स के आधारित पर होती है, कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी या पदार्थ के गुण, उसके स्वभाव, उसके भाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि उत्साह, उत्साह जो होता है वो किसी भी व्यक्ति का गुण होता है। ईमानदारी, ईमानदारी मीन्स स्वभाव, तो उसका इसमें ईमानदारी में भाव बता रहे। बचपन, बचपन या किसी की अवस्था, बचपन में अवस्था बताते हैं। तो जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन किसी भी गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था की प्रतीति कराता है उसे भाववाचक संज्ञा। जो भी शब्द गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था दिखाती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी धर्म, गुण और भाव, ये सभी भाववाचक संज्ञा के पर्यायवाची शब्द है। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है। हम ये जो संज्ञाएं हैं, जो भी शब्द हो गए, इसे हम लोग गिन नहीं सकते। जैसे कि ये उत्साह, या ऐसे नहीं कह सकते कि 5 उत्साह है। ईमानदारी, तो उसमें 10 ईमानदारी है। ये जो शब्द होते हैं उसे मात्र इंद्रियों से हम अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे जो जातिवाचक शब्द है उसको भाववाचक शब्द में कन्वर्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक पशु, पशु जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो पशु का जो भाववाचक संज्ञा होगा वो होता है पशुता। मित्र एक भाव जातिवाचक संज्ञा है, तो मित्र का जो भाववाचक संज्ञा होते हैं वो मित्रता। इसी तरह एक विशेषण, विशेषण का भाववाचक संज्ञा, एक चालाक एक विशेषण है। विशेषण मीन्स के जो कि वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताता है। तो चालाक जो है वो विशेषण है, उसका भाववाचक संज्ञा होता है चालाकी। गरीब, तो गरीब से उसकी भाववाचक संज्ञा होगी गरीब। क्रिया विशेषण से भाव, क्रिया विशेषण लेकिन जो विशेषण क्रिया दर्शाती है, तो मंद, मंद का जो भाववाचक संज्ञा होती है वो मंदी। दूर, दूर का भाववाचक संज्ञा होती है दूरी। कहने का मतलब कि जो भी शब्द एक हमारे इंद्रियों से अनुभव होता है, जो गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था दिखाते है शब्द होते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का यह तीसरा प्रकार।